गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस सबसे पहले बता दूँ कि आज कौन सा दिन है? रविवार बोलो तो संडे यानी कि कुछ खास। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, और मार्केट में आज खुद रितेश ही लेगा, हम कुछ नहीं लेंगे। अब देखते हैं कि ये छोटा बच्चा कैसे बाजार करता है, ठीक है ना। ये खुद ही बोलेगा, खुद ही लेगा सब कुछ, और देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो चलिए चलते हैं, और आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, ये है न्यू साइकिल, देख सकते हो। गाइस तो आज हम लोग न्यू साइकिल के साथ जा रहे हैं, और यही चलाएगा, देखते हैं एक बार हम चलाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए निकलते हैं। तो गाइस देख सकते हो बोतल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। वाह, उसका पैर पहुँच गया, तो घुराएगा कैसे? बैग वगैरह नहीं लिया है? तो अभी हम मार्ट में आ चुके हैं। अब मार्ट का हालात देखिए, कितना बदतर बोला जाए या भयंकर बोला जाए समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्यों ऐसा हुआ है ये हमें भी नहीं पता है, पर हुआ है तो कुछ कारण ही होगा, इसको बढ़ाने के लिए ही हुआ होगा। तो चलिए आपको ठीक से दिखा दूँ। देख सकते हो कि यहाँ का आधा, मतलब जो ऊपर का मिट्टी था शायद उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये जो टेंकी बना था ना, तो इसका जो ढलाई हुआ था, पत्थर वगैरह जो इकट्ठा हुआ था, सारे के सारे इधर ही आ चुके थे। तो यहाँ पे इस मार्ट में ज़्यादातर फुटबॉल होता है, और बहुत सारे खेला होता है जो कि बच्चे को या किसी को भी, जो भी खेलने वाले प्लेयर हैं उनको लग सकता था। तो गाइस इसी को बनाने के चक्कर में ये सब इस तरह से किया गया है, और आशा है कि जल्दी से जल्दी बन जाएगा। हम लोग अपना जा रहे थे मार्केट करने, तो चलिए मार्केट करते हैं, और ये रितेश चलाएगा आज साइकिल। साइकिल उसे चल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा छोटा है, हम लोग जा रहे हैं। हे गाइस तो अभी हम यहाँ पे एटीएम में आए हैं, और मनी ख़त्म हो गया था, तो फिर यहाँ से एटीएम में से मनी लेंगे, और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे मार्केट। तो फाइनली हमने एटीएम से पैसा निकाल लिया 200, उसके बाद चलते हैं। और ये दुकान भी आ गया, चलिए देखते हैं क्या। यहाँ पे रितेश नहीं बोल पाया, मुझे ही बोलना पड़ा, देख सकते हो। गाइस तो फाइनली मैं घर चला आया हूँ, अब देख सकते हो कि ये एक प्यारा लेकर आया हूँ। तो गाइस अब जो भी है निकलते हैं, क्योंकि टाइम 10 बज रहा है, बजा नहीं है, 5 मिनट बाकी है, तो निकल जाना चाहिए। और जो वहाँ का मैं बनाने वाला हूँ, जा रहा हूँ मैं, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बर्दवान, और वहाँ का जो ब्लॉग होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकलते हैं। फाइनली मैं निकल गया हूँ, आप चल रहे हैं बर्दवान, तो चलिए ट्रेन पकड़ते हैं, पता नहीं कितना बजे वाला मिलेगा, देखते हैं। हे गाइस फाइनली मैं ट्रेन पकड़ लिया। गाइस तो फाइनली मैं बंडेल पहुँच गया हूँ, और आप देख सकते हो कि ट्रेन लगा हुआ है, ये साइड में जाएगा, कटरा में जाएगा, यानी कि प्रेसिंग के लिए, आप देख सकते हो बंडेल लोकल, आई मीन बंडेल में पहुंच गया। अब यहाँ से हमको पकड़ना है बर्दवान लोकल, क्योंकि यहाँ से बसबड़िया जाता है, कठुआ जाता है, और यहाँ से हमको पहुंचना है बर्दवान। तो चलिए देखते हैं कौन सा ट्रेन बर्दवान जाता है, हमको खोजना पड़ेगा, उसके बाद उसमें चढ़ेंगे तब बर्दवान जाएंगे। कम से कम एक घंटा तो लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। गाइस तो हम सीढ़ी से नहीं जाएंगे, इसके द्वारा जाएंगे, और देखते हैं चालू है कि नहीं। तो ये चालू है, चलिए पकड़ भी लिया। गाइस देख सकते हो कितना ऊँचा है, मज़ा आ रहा है। पहुँचने वाला हूँ मैं। ये झटका देगा, देखिए कोई ट्रेन नहीं दिख रहा, लग रहा वेट करना पड़ेगा बहुत। चलिए वेट करते हैं, और देखते हैं कितना समय लगता है भिंडी लोकल, सॉरी बर्दवान लोकल आने में। गाइस देख सकते हो इलेक्ट्रिक जो, तो हम यही पकड़ के जाएंगे बर्दवान। ये गाड़ी का नाम है कवि गुरु, तो चलिए कवि गुरु एक्सप्रेस पकड़ के निकल लेते हैं बर्दवान, इससे क्या होगा कि जल्दी पहुंच पाएंगे। देखते हैं सीट मिलता है, सीट तो नहीं मिलेगा, खड़े खड़े जाना पड़ेगा, चलिए चलते हैं। गाइस तो हम उठ गए, देखते हैं कब तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नो सिग्नल में आके गाड़ी अटक गया, तो रुकाया रहता। घर
घर से लेके यहाँ तक का, तो यहाँ तक का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, बिकॉज ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे ऑफ करता हूँ। और दूसरा ब्लॉग मैं आपको कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, इसके बारे में बनाऊँगा, वो नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा। आप ज़रूर पूरा वॉच करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा। तो चलिए।